मुंबई से उज्जैन महाकाल के दर्शन करने, मौसम काफी बदल चुका है। इट इज अ गुड प्लेस, आप इस जगह को इजीली एक्सप्लोर कर सकते हो। वे टू शिरडी, साउथ इंडियन फूड इन महाराष्ट्र। यहाँ सब अंगूर के बगीचे है, होता है कि वो सारे अंगूर एक्सपोर्ट होते हैं। प्याज जो मार्केट में इस वक्त 60 से 70 रुपए किलो बिक रहा है, आपको जितना चाहिए ले लो 10 रुपए किलो के हिसाब से। मैं ये बैरिकेडिंग दिखी है, बैरिकेडिंग की वजह से जो जानवर हैं वो सड़क पे नहीं आएंगे। इस रोड पे ना ढाबे बहुत अच्छे दिखे हमें। ये वो हाईवे नहीं है जहाँ पे आप क्रूज कंट्रोल पे गाड़ी चला सके। स्ट्रीट्स एकदम मक्खन वाली जैसी है एंड ट्रैफिक भी काफी कंट्रोल हो गया है। पहले जैसे घाट नहीं रहे, कितने अच्छे से इन पहाड़ों को काटा गया है यार। सुबह हमारा ब्रेकफास्ट भी यहीं होने वाला है। महाकाल की नगरी, काल भी उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का, एनर्जी टोटली बदलने वाली है। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं सेंधवा और यहाँ से 155 किलोमीटर इंदौर है और उज्जैन 210 किलोमीटर। और यहाँ की सड़कें अब हमें काफ़ी अच्छी मिल रही हैं जहाँ पे कि हम क्रूज कंट्रोल पे इजीली गाड़ी चला सकते हैं। अब हम पहुँच चुके हैं सेंधवा के टोल प्लाजा पे। यहाँ पे भी हमें 120 रुपए का टोल देना पड़ेगा अभी। माय गुडनेस, ये जो स्पीड ब्रेकर है ना, इन्होंने लिटरली हालत ख़राब कर रखी है स्पीड कम करने के चक्कर में। 120 नहीं भैया, 240। बज रहे हैं 4 शाम के और आप देख सकते हो कि मौसम ऑलरेडी क्लाउडी सा हो रहा है बाहर। 4 बजे तो इतना डल वेदर नहीं होता है, लग रहा है कि जल्दी सन डाउन होने वाला है। तो वी विल ट्राई टू क्रॉस द घाट्स बिफोर सनसेट। देखिए सामने से रॉन्ग साइड लोग आ रहे हैं, ये बहुत ही स्केरी पार्ट है यार। और ये लोग बिल्कुल नहीं डरते, ये तो फिर भी बाइक वाले हैं। मतलब आई हैव सीन द जीप्स, ट्रैक्टर और वो बैलगाड़ी लेके, देखिए कितना लोड लेके दोनों साइड भरा हुआ है। हाईवे पे लोग वैसे ही स्पीड में आते हैं और ये रॉन्ग साइड चले हैं। वेलकम टू इंटीग्रेटेड एमपी बॉर्डर चेक पोस्ट। अच्छा, पीछे जो हमने क्रॉस किया था वो था महाराष्ट्र बॉर्डर चेक पोस्ट, अब जो आ रहा है ये आ रहा है एमपी बॉर्डर चेक पोस्ट। ये रहा एमपी बॉर्डर चेक पोस्ट। ये लेफ्ट में जितने भी ट्रक हैं उनको लेफ्ट से होके जाना पड़ेगा और ये जो राइट से आप देख रहे हो यहाँ से कार्स और जीप्स विदाउट चेक पोस्ट से गुजरे निकल सकती हैं और जो ट्रक्स एंड ऑल द कमर्शियल व्हीकल हैं उनको यहाँ से चेकिंग करा के जाना पड़ता है। और राइट में आप जो देख रहे हैं जो गाड़ियाँ एमपी से महाराष्ट्र की ओर आ रही हैं उनको अपना चेक पोस्ट में चेक करा के, सारे पेपर्स चेक करा के and all the formalities करके then they change their states। तो जो ट्रक्स वाले होते हैं बेचारे उनको हर स्टेट पे इस तरह से आधा आधा एक एक घंटा लाइन पे लगना पड़ता है। फाइनली बहुत देर के बाद आप देख सकते हो कि मेरी गाड़ी क्रूज कंट्रोल पे चल रही है एंड सामने आप देखोगे तो रास्ता बिल्कुल साफ मिल रहा है। ये एमपी में थोड़ा अंदर आने के बाद मतलब स्ट्रीट्स एकदम मक्खन वाली जैसी है एंड ट्रैफिक भी काफ़ी कंट्रोल हो गया है और जिसकी वजह से हम बड़े ही आसानी से क्रूज कंट्रोल पे गाड़ी चला पा रहे हैं। जैसे आप ऐसे देख रहे हो ना, ये कभी भी अचानक से रोड पे आ सकती हैं, तो आपको ये भी बिल्कुल दिमाग में रख के गाड़ी चलानी पड़ती है कि भैया ये जानवर है, इनको मालूम नहीं पड़ता 2 मिनट में किस तरफ मुंह उठा के किधर चल दें। तो ये सब फैक्टर्स तो यहाँ पे है ही हैं। चले जा रहे हैं ना, तो जैसे आप लेफ्ट में देख रहे हो ना, इस तरह से पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई है विच इज़ वेरी नाइस, ताकि विलेज के लोग डायरेक्टली रोड पे ना आ सके। सो नाइस। खल घाट 1/2 किलोमीटर दिखा रहा है और ये बगल में पूरी आबादी नजर आ रही है। यहाँ पे ये कोई छोटा सा शहर गुजर रहा है, आई थिंक ये खल घाट ही होगा, इस जगह का नाम ही खलघाट होगा। महू 64 किलोमीटर, इंदौर 89 किलोमीटर और सामने आ रहा है एक टोल। भाई टोल बहुत है यहाँ पे। सावधान, बूम बैरियर स्वचलित हैं, कृपया रुकें एवं सिग्नल देखकर निकलें, धन्यवाद। हाँ भाई, इस टोल पे कोई भी नहीं बैठा हुआ, आप जैसे देखोगे तो ये ऑटोमेटिकली फास्टैग स्कैन कर रहा है एंड बैरियर उठ रहे हैं एंड गाड़ियाँ निकल रही हैं।
एक हाथ तो निकला है अभी 140। क्या करें भाई, खालसा घाट गो 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 गो। ट्रक वाले तो ऐसा कर रहे हैं कि दोनों एक साथ दबा देंगे कि आपको जाने की कोई अनुमति नहीं है। भैया हमने भी रोड टैक्स दिया है, हमें भी जाने दो, थोड़ी सी जगह हमें भी दो। और ये ट्रैफिक ट्रक एंड बसेस का जो कि आपको आगे जाने नहीं दे रहा है, लुक एट दिस। शाम के बज रहे हैं 6:15 और अभी हम घाट्स पे ऑलमोस्ट क्लाइंब करना स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हम थोड़ी देर पहले कॉफ़ी पीने के लिए रुके थे एंड फ्रेश भी होना था, तो वहाँ पे हमने भैया से पूछा कि अभी घाट्स का क्या स्टेटस है। तो उन्होंने बताया पहले जैसे घाट नहीं रहे हैं, बिकॉज जब से 4-lane हाईवेज बनाए हैं तो घाट्स जो पहले zigzag एंड बड़े कॉम्प्लिकेटेड हुआ करते थे, अब वो वैसे नहीं रह गए, अब सीधे सीधे हो गए हैं। पहाड़ों के बॉटम्स को काट के बिल्कुल सीधे सीधे बना दिया गया है। अभी आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे भी एक ट्रक ब्रेकडाउन खड़ा है। अब इस ब्रेकडाउन की वजह से क्या होता है कि जो बाकी के ट्रक्स हैं वो स्लो हो जाते हैं और उसके बाद पूरा जाम लगना स्टार्ट हो जाता है। सो दिस इज द घाट। ऐसे दो घाट्स आएंगे जिनको क्रॉस करेंगे, उसके बाद वी विल रीच इंदौर। तो वैसे तो ETA जो एस्टिमेटेड अराइवल टाइम टिल इंदौर है अभी 1.5 hours दिखा रहा है, बट इस तरह का जाम रहा तो गॉड नोस, लेट्स सी व्हाट टाइम वी विल रीच इंदौर और अकॉर्डिंगली वी विल डिसाइड कि हम आज रात इंदौर में रुकेंगे। तो महाकाल डिसाइड करेंगे हाउ वी विल मूव फर्दर, बट फॉर नाउ दिस इज द प्लान। और ये रहे घाट्स, अगेन मैं आपको दिखा रहा हूँ, बट यार हैट्स ऑफ टू देम जिन्होंने ये पहाड़ों को काट काट के ये सड़कें बनाई हैं हम लोगों के लिए और इस डिस्टेंस को इतना कम किया गया है। कितना खूबसूरत लग रहा है इस वक्त, बोथ द साइड्स माउंटेन एंड बीच से हम निकलते हुए जा रहे हैं, जैसे नदी नहीं बहती उस तरह से हम इस सड़क पे बहते हुए जा रहे हैं दोनों पहाड़ों के बीच से। फर्स्ट जो घाट था वो फिनिश हो गया, अभी ये सेकंड घाट प्रारंभ हुआ है यहाँ से और आप देख सकते हो कि वापस वी स्टार्टेड क्लाइंबिंग, हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं और जैसे ही घाट स्टार्ट हुआ अगेन जाम स्टार्ट हो गया। जितना zigzag था पहले वो भी फिनिश हो गया है, अब ड्राइविंग काफ़ी आसान हो चुका है इस रास्ते पे। कितने अच्छे से इन पहाड़ों को काटा गया है यार, सो नाइस। लेकिन ये जाम इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम यार। शाम के बज रहे हैं 6:15 और आप देख सकते हो इट्स डार्क कम्प्लीटली और घाट खत्म हो चुके हैं अब, एंड वी आर प्लानिंग टू स्टे बैक इन इंदौर, बट कहाँ रुकना है क्या रुकना है अभी तक हमने होटल फिक्स नहीं किया है। सो फाइनली हमें आज रात बिताने के लिए होटल मिल गया है। सो हम हैं इंदौर में रहू रोड पे और आज हमने होटल एसेंशियल बुक किया है नाइट स्पेंड करने के लिए। सो लेट मी गिव यू द होटल टूर एंड द रूम टूर ऑल्सो कि हम किस प्रॉपर्टी में कैसे रह रहे हैं। द प्रॉपर्टी नेम इज एसेंशियल लग्जरी होटल। Outside was the reception. That lift is arrived. Come guys. आप देख सकते हो एंड नीचे ये रेस्टोरेंट सेक्शन है। एज यू कैन सी सुबह हमारा ब्रेकफास्ट भी यहीं होने वाला है। सो दिस इज आवर रूम नंबर 2020। So let me open the room. में enter करते साथ आप अंदर आओगे so there are two beds, एक couch है,
देयर इज अ स्टडी टेबल विथ चेयर, टीवी है, द फ्रिज, दिस इज वन स्मॉल किचन सेटअप जहाँ आप चाय कॉफ़ी जो भी आपको चाहिए दैट यू कैन टेक इट. इसके अंदर लॉकर अवेलेबल है एंड दिस इज द वॉशरूम. यू कैन सी इट्स अ रियली गुड प्रॉपर्टी. यू गाइस कैन कंसिडर दिस प्रॉपर्टी इफ यू आर कमिंग टूवर्ड्स इंदौर. सो फाइनली इट्स टाइम फॉर द ब्रेकफास्ट. तो चलते हैं, दिखाते हैं ब्रेकफास्ट बुफे में क्या क्या अवेलेबल है. एम्बियंस जैसे आप देख सकते हो, देर इज़ अ वाटर बॉडी इन द रेस्टोरेंट विच इज़ रियली नाइस एंड पीसफुल एक्सपीरियंस हियर. और दीज आर द सिटिंग एरियाज ऑन माई राइट एंड लेफ्ट. यहाँ से इनका बुफे स्टार्ट हो जाता है. देर इज़ अ मिक्स फ्रूट जूस, वाटरमेलन जूस, वनीला मिल्क शेक, कॉर्न्स, कॉर्नफ्लेक्स, मूसली एंड all the nuts here you can roast, all the breads, bread section, croissant, all the cakes you can see it here, this is only the non-veg section, chicken and mustard fish, fresh fruits are there, watermelon, papaya and all. You can see all the veggies, cheese, buttermilk, chhas, lassi, all the chutneys here. तीन तरह के flavored yogurt और इसके बाद start होता है हमारा main breakfast. सांबर, steam इडली और इंदौर में है और इंदौरी पोहे ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता. इंदौरी पोहे, नमकीन, कटे हुए प्याज और नींबू के साथ दाल वड़े जिनकी शेप थोड़ी अलग है, साबूदाना खिचड़ी, बीन्स की सब्जी, बेक्ड वेजिटेबल जो देखने में बड़े सुंदर लग रहे हैं, खीर, भटूरे, छोले और पराठा, आलू गोभी जो भी चाहिए आप उन्हें बता सकते हैं. साबूदाना की खीर, यहां तक वेज सेक्शन खत्म हो गया. इसके बाद वापस स्टार्ट होता है नॉन वेज सेक्शन, बॉइल्ड एग एंड चिकन कीमा. फूड वॉज रियली अमेजिंग. ब्रेकफास्ट करके जेन्युइनली मजा आ गया. वॉट एवर यू विल ईट हियर ना, इट हैज इट्स ओन ऑथेंटिक टेस्ट. आई थिंक ब्लैक कॉफी गिव मी आफ्टर दैट. ओके, क्रिसॉन एंड एवरीथिंग वॉज टू यमी. देयर सर्विस, दे वर जस्ट स्टैंडिंग ऑन यू एंड यू जस्ट लुक एट देम, दे विल serve you whatever you want. They offer you different dishes also, matlab experimental dishes if you want to eat, so they can offer you that also. It was a great pleasure having a morning breakfast here and staying was also so comfortable. It was a really amazing experience. Now we will move towards Ujjain. It's finally time to check out. Yahan se 50-60 kilometer hai Ujjain. 1 se 1.5 ghante mein hame pahunch jana chahiye. तो वी विल फॉलो द गूगल मैप और रास्ते की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं. हाँ, पीछे रख दीजिए. तो अभी हम होटल से निकल चुके हैं. ये होटल एसेंशियल का एग्जिट है और ये जो सामने आप रोड देख रहे हो, इस रोड से हमें लेना है लेफ्ट और सीधे जाना है टुवर्ड्स उज्जैन. इस रोड को कहते हैं रिंग रोड. ओह माय गॉड, खड्डे हैं यहाँ पे. तो लेट्स टेक अ लेफ्ट. दिस इज द वन वे रूट. ये इंदौर की रिंग रोड है. तो ये सिग्नल है रिंग रोड पे और यहाँ राइट में है श्री गणेश मंदिर खजराना द्वार. इंदौर के क्षेत्र देवता कहते हैं इनको. इनके द्वारा ही ये शहर बसाया गया है. बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है गणेश जी का. इंदौर के अंदर ये मेट्रो का काम चल रहा है. सेम बॉम्बे की तरह मेट्रो ने स्ट्रीट्स को कम्प्लीटली कवर कर लिया है इंदौर में भी. ऊपर से मेट्रो, नीचे सड़कें. अभी हमारे बगल से अरविंदो यूनिवर्सिटी निकली है और यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज भी था एंड देर वॉज अ हॉस्पिटल. तो वहाँ से बिल्कुल सीधे निकले और अब हमें हाईवे मिल गया है. तो ये ही कोटा हाईवे है. सड़कें साफ लग रही हैं और लेफ्ट राइट में आप देख सकते हो ग्रीनरी कितनी कमाल है और सड़क पे सब्जियाँ फ्रेश बिकती हुई. ये भाई भाई
सब प्लॉट बेच रहे हैं 51,000 रुपए में प्लॉट। बताइए देखो यहाँ पे लाइन से सब प्लॉट बेच रहे हैं, 9 लाख का प्लॉट कोई बेच रहा है, कोई रो हाउस बेच रहा है 1 BHK का रो हाउस, और बुकिंग मात्र अच्छा बुकिंग है 51,000 रुपए। मुझे लगा कि प्लॉट ही 51,000 में दे रहे हैं। दिस इज द वे पीपल आर सेलिंग देयर प्रॉपर्टीज ऑन द रोड, तो ये भी एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। इंदौर से निकलने का कंफर्मेशन मिला है क्योंकि यहाँ पे आ चुका है टोल बूथ, और जैसे ही हम टोल देंगे हम इंदौर से बाहर निकल जाएंगे। और कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव टोल नहीं है क्योंकि जितना हमने बाहर पीछे दिया है ना उससे तो बहुत ही कम है, ओनली 35 रुपीज़। लोगों ने सड़कों पे ही अपनी अपनी स्टॉल लगा ली हैं और सड़क पे ईंटें भी बिक रही हैं, कमाल है। अभी तक हमने अपनी जर्नी में गाय देखी थी, कुत्ते देखे थे, बट ये ऊँट इन रूट पे चलने में ना ये सब चीज़ें देखने को बहुत मिलती हैं। हम सनवर क्रॉस कर रहे हैं, बाइक जा रही है जिसके अंदर कोई नंबर प्लेट नहीं है और साथ में ट्रिपल राइडिंग, और भाई क्या जोश देखो, क्या जोश से गाड़ी चला रहे हैं। सड़कें, इट इज़ अ बटर स्मूथ रोड, आप सड़क देख सकते हो। उज्जैन अभी यहाँ से है 19 किलोमीटर्स, और आप हर तरफ देख सकते हो लेफ्ट राइट खेती खेत खेती खेत, और दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ आपको ग्रीनरी नज़र आ रही है। काफ़ी आबाद इलाका है ये, ज़मीन यहाँ की काफ़ी उपजाऊ है। आप देखो राइट में भी दूर दूर तक खेत नज़र आएंगे और लेफ्ट में भी दूर दूर तक खेत नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट 20-25 मिनट्स में वी विल रीच उज्जैन, और इंदौर छोड़ने में हमें जो टाइम लगा वो लगा 20-25 मिनट, उसके बाद तो हार्डली आई थिंक 40-45 मिनट्स में वी विल रीच उज्जैन। लेट्स रीच उज्जैन, महाकाल की नगरी, वहाँ की एनर्जी कमाल है। और जैसे ही हम उस क्षेत्र में एंटर करेंगे ना, मतलब एनर्जी टोटली बदलने वाली है। काल भी उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। एंटर करते हैं महाकाल की नगरी में, और आप देख सकते हो हम मध्य प्रदेश में और लोग झगड़ा कर रहे हैं आपस में। यहाँ पे भी कार्स का 35 रुपीज़ मांग रहे हैं, और ये भाई साहब को देखो लेफ्ट से कैसे राइट में घुस रहे हैं। ये चीज़ें आपको यहाँ पे ये देखो ये गाड़ी वाले को, मतलब अरे भाई मान जा। अच्छा वो देखने को भी तैयार नहीं हो, कान पे फ़ोन है, आप देख सकते हो कि वो तुम्हारी दिक्कत है, अगर तुम्हें रुकना है तो रुको, हम तो घुस जाएंगे। और वहाँ पे हर आदमी से लड़ रहा है वो, भगवान जाने क्या कर रहा है। ये देखो भाई तू भी मान जा, हमें जान दे, हम भी आए दूर से। बट यहाँ पे भी टोल पे बड़ी दादागिरी है लोकल्स की, वो आगे वाले गाड़ी में पुलिस लिखा हुआ था और वो पेमेंट करने को राज़ी नहीं थे, मगर वो अंकल जी ने बिना पैसे लिए उन्हें जाने नहीं दिया। वहीं पे वो टोल रोड ख़त्म हो गया, वहाँ तक तो रोड अच्छी थी, और टोल रोड जैसे ख़त्म हुआ उसके बाद आप सड़क देख सकते हो सामने, आप देख सकते हो लेफ्ट में लिखा हुआ है श्री महाकाल मंदिर पहुँचने का मार्ग रिवर शिप्रा। अभी हमने जस्ट क्रॉस किया है और आज का टेम्परेचर है 28.5 डिग्री, जो यहाँ बोर्ड पे मेंशन किया हुआ है। एंड वी हैव इंटर नाउ उज्जैन, महामृत्युंजय द्वार लिखा हुआ है, और सीधे सीधे जाएंगे तो हम महाकाल टेम्पल की तरफ मूव कर जाएंगे। शहर के बाहर बाहर से टेम्पल पे जाने का रोड है, पहले शहर के अंदर से जाया जाता था, मगर अब ये एक्सटर्नल रोड बना दी गई है। और ये कुंभ जब लास्ट उज्जैन में हुआ था उस समय इस रोड का डेवलपमेंट हुआ है, और आप देख सकते हो आप शहर का ट्रैफिक आराम से छोड़ते हुए बाहर बाहर डायरेक्टली मंदिर पहुंच सकते हैं। श्री महाकालेश्वर मंदिर के लिए इस फ्लाईओवर को चढ़ना है। ये जो ब्रिज है ये आने जाने दोनों के लिए सेम ब्रिज है, तो बहुत ध्यान से स्लो स्लो जाना पड़ेगा। ब्रिज उतरते ही हम महाकाल रोड पे पहुंच गए, और वहां पहुंचते ही हमने होटल गोल्ड स्टार में अपना कमरा ले लिया। ये मंदिर परिसर के बहुत नज़दीक है, और यहां कमरा लेने का कारण था गाड़ी की पार्किंग जो हमें होटल के सामने ही मिल गई।